नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ड्रीम सिटी ट्यूटर। तो ड्रीम सिटी ट्यूटर में आपका स्वागत है। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है रोटो प्लस। मैं दिखाऊंगा सेबर दोनों को आप मिक्स करके कुछ इनोवेटिव चीज़ आप कैसे बना सकते हो, बिकॉज रोटो का जो हम लोगों का काम होता है वो बैकग्राउंड से फोरग्राउंड को एक्सट्रैक्ट करने का होता है। एंड देन ईजी वे में आप क्या कर सकते हो, जो हमारा सब्जेक्ट है उसको आप निकाल सकते हो, जैसे कि फोटोशॉप में हम लोग करते हैं। लाइक किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग सिलेक्शन करके उसको निकाल लेते हैं, एज अ पीएनजी बनाते हैं। सेम वैसे ही हम लोग काम कर सकते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में रोटो के थ्रू। तो चलिए देखते हैं कि रोटो प्लस सेबर इफेक्ट को हम लोग किस तरह से यूज में लेते हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं अपने कंप्यूटर पे। ओके, तो यहाँ पे मेरा फुटेज आ चुका है। आपको करना क्या है, जैसे कि मुझे सिर्फ इसको ही रोटो करने हैं, तो आपको करना क्या है, जस्ट डबल क्लिक कर दो जिससे भी आपको रोटो करने हैं। एंड देन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे रोटो ब्रश टूल। सिंपल सा आपको रोटो में जाने हैं एंड देन आपको ड्रैग करना है। जहाँ जहाँ पे आपको रोटो चाहिए होगा जस्ट ड्रैग करो एंड देन आप रोटो कर सकते हो। तो आप देख सकते हो जैसे ही मैंने रोटो किया तो यहाँ पे एक पिंक कलर की एक लाइन आ गई है। इसका मतलब ये हो गया कि अब ये रोटो होना स्टार्ट हो गया। सी, तो सिंपल है, बहुत ब्रश टूल के थ्रू आप थोड़ा सा कर सकते हो। एंड देन जहाँ पे नहीं चाहिए ऑल्ट प्रेस करो, माइनस कर सकते हो। सी, तो मैंने कुछ इस तरह से रोटो कर दिया फर्स्ट फ्रेम पे, आप देख सकते हो। एंड देन जैसे ही रोटो आपने किया है यहाँ पे, तो आप देखो यहाँ पे स्पेस बार प्रेस कर दो रोटो के लिए, तो ये ऑटोमेटिकली रोटो यहाँ पे क्रिएट करता हुआ चला जाएगा। सी, ओके, अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि कुछ तो प्रॉब्लम है, तो आप इसको थोड़ा सा और ड्रैग कर दो कुछ यहाँ तक, मीन्स ऐड कर सकते हो आप, एंड देन फिर आप यहाँ पे जा सकते हो। सी, सिंपल वे में जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि रोटो थोड़ा प्रॉपर नहीं है, आप बना दो एंड देन वहाँ पे वो रोटो हो जाएंगे। सी, तो बोलने का मतलब है कुछ इस तरह से रोटो आपका हो गया। बहुत इजी है, जस्ट ड्रैग करने हैं एंड देन आपको सेलेक्ट करने हैं अपने कैरेक्टर को जिसे भी आपको रोटो करने हैं। एंड देन रोटो को देखना है तो सिंपल वे है, आप यहाँ से वापस आ जाओ एंड देन कॉम्पोजिशन में चले जाओ। देखो कॉम्पोजिशन में जैसे ही जाओगे तो आपको यहाँ पे पूरे का पूरा आपका जो वीडियो फुटेज है कंप्लीट ट्रांसपेरेंट हो गए। आपको देख सकते हो कि पूरा ट्रांसपेरेंट है यहाँ पे। इट्स मीन कि आप यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड अप्लाई कर सकते हो। अब जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे एक बैकग्राउंड लेके देखता हूँ कि कैसा ये मेरा रोटो हुआ है, तो मैं कोई भी एक इमेज इसके बैकग्राउंड में डाल दिया, कुछ ऐसे जैसे मुझे चाहिए थे मैंने ले लिए हैं। तो मेरा यहाँ पे इमेज कुछ बड़ा है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बड़ी साइज़ की इमेज है तो मैं यहाँ पे जाकर सिंपल सा स्केल कर देता हूँ। फर्स्ट एस प्रेस कर दो स्केल के लिए, तो यहाँ पे मैंने ले लिया है स्केल, जैसे कि आप देख सकते हो। ओके, एंड देन मुझे अपने रोटो को भी थोड़ा सा बड़ा करना है, तो एस प्रेस कर दो फॉर स्केल एंड देन थोड़े से साइज़ को इनक्रीज़ कर दिया मैंने। फाइन, नाउ यू कैन सी। ओके, तो अब ये हमारा रोटो है। फाइन, तो रोटो कुछ इस तरह से जैसे ही जाएगा, कुछ इस तरह से जाएगा। आपको चाहो तो आप अपना बैकग्राउंड को एनिमेट कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे जाके पी कर देता हूँ फॉर पोजीशन। ओके, एंड देन स्टार्टिंग में पोजीशन को क्लिक किया एंड देन लास्ट में मैं क्या करता हूँ, पोजीशन को थोड़ा सा यहाँ कर दिया ड्रैग, मीन्स ज़्यादा नहीं है, थोड़े बहुत ही है। सी, ओके, तो कुछ इस तरह से बोल सकते हो कि रोटो आप कर सकते हो, बहुत इजी है बनाना रोटो को। तो मैंने कुछ इस तरह से रोटो बना दिए हैं। अब रोटो बनाने के बाद आप कर क्या सकते हो, यार बहुत काम कर सकते हो रोटो करने के बाद। अब मैं जैसे दिखा रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हो रोटो करने के बाद। तो सबसे फर्स्ट मैंने क्या किया, यहाँ पे एक कार की इमेज है जो मैं लेके आ गया यहाँ पे कुछ ऐसा, राइट। एंड देन मैं चाहता हूँ इस कार को थोड़ा सा रोटो करूँ मैं, राइट। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल वे में मैं जाऊँगा इस पर एक कंट्रोल जे कर देता हूँ, कंट्रोल डी कर देता हूँ, मीन्स मुझे एक और कॉपी चाहिए, तो मैं एक कंट्रोल डी करके मैंने एक कॉपी बना लिया यहाँ पे। नीचे वाले लेयर को मैं कर देता हूँ यहाँ से लॉक एंड देन आप चाहो तो हाइड भी कर दो फॉर द टाइमिंग। ओके, एंड देन आता हूँ सेकेंड वाले पे। अब सेकेंड वाले लेयर पे मैं क्या करता हूँ, जो मेरा ट्रैक है या लेयर है उसको मैं क्या करूँगा, अगेन डबल क्लिक एंड देन यहाँ पे जाकर मैं क्या करता हूँ, रोटो ले लेता हूँ। तो सिंपल वे में आपको करना क्या है, यहाँ से आप रोटो करके इसको सेलेक्ट कर लो, थोड़ा सा प्रॉपर वे में आप सेलेक्ट कर लेना जहाँ जहाँ पे भी आपको चाहिए होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमारा जो कार है वो कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट है यहाँ पे, राइट। तो कुछ इस तरह से आप कार को ट्रांसपेरेंट कर लेना। एंड देन मैं क्या करता हूँ, इस कार को ट्रांसपेरेंट करने के बाद
मैं इसके ऊपर एक कलर अप्लाई करता हूँ, कोई भी एक डिफरेंट कलर ले लो कि थोड़ा सा मास्क करने के लिए मैं मुझे चाहिए होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ एंड देन यहाँ पे मैं इफ़ेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में मैं ले लेता हूँ ह्यू, आप ले लो। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ यहाँ पे ह्यू सैचुरेशन, राइट। तो आप सिंपली कॉम्पोजिशन में डाल दो ह्यू, ओके। यहाँ पे आपको लेयर में नहीं जाने, कॉम्पोजिशन में जाओ एंड देन आप चाहो तो यहाँ पे कार के कलर को आप चेंज कर सकते हो। आप आपके अकॉर्डिंग है कि भाई आपको कैसा कलर चाहिए, आप अपने अकॉर्डिंग कार के कलर को चेंज कर सकते हो। तो मुझे, मैंने ग्रीन कलर रखा हुआ टॉप में एंड देन बॉटम में रेड कलर है, ठीक है। तो मैंने ऐसा कुछ कर लिया। अब आपको करना क्या है, यहाँ पे मैं मास्क ले लेता हूँ। सिंपल सा मैं जाता हूँ यहाँ पे अपने पेन टूल पे एंड देन मास्क करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो सिंपल वे में मैं क्या करता हूँ, पहला हमारा मास्क कुछ इस तरह से मैंने ले लिया। मैंने बाहर में ही मैंने मास्क बनाए हुए हैं, ओके। एंड देन मास्क को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाकर जैसे ही मैंने मास्क यहाँ पे लिया हुआ है, आप देख सकते हो मास्क को मैं इन्वर्ट कर देता हूँ, राइट। तो सिंपल वे में मैंने क्या किया, मास्क को मैं यहाँ पे क्लिक करके इन्वर्ट कर दिया है, ओके। अभी मुझे मास्क को एनिमेट करने हैं, फाइन। तो मैं क्या करूँगा, मास्क पे जाऊँगा, मास्क यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो मास्क को मैंने क्लिक किया, मास्क पाथ है, आपको देख सकते हो पाथ को, एंड देन पाथ को मैं थोड़ा सा एनिमेट करूँगा। तो फर्स्ट फ्रेम पे मैं गया, मास्क को क्लिक किया, सिलेक्शन टूल पे चले जाओ एंड देन मास्क को क्या करो, आप सिंपल वे में सिलेक्ट करो एक एक कुछ ऐसे एंड देन थोड़े से आप मूव करा दो, सी, ओके। तो आपको क्या करना है, कुछ इस तरह से मास्क को मूव कराते चले जाने हैं। तो आप देख सकते हो कुछ ऐसा, फाइन। तो यहाँ पे आप कार को कुछ इस तरह से ग्रीन कलर से कवर्ड होता हुआ देख रहे हो। फिर से मैं चला जाता हूँ फोर पे एंड देन अगेन मास्क पाथ को क्लिक किया एंड देन मैं फिर से इस पर सेलेक्ट करके मैं मूव कर देता हूँ। जैसे जैसे मुझे चाहिए होंगे वैसे वैसे मैं इसे मूव करता चला जा रहा हूँ, कुछ ऐसा, फाइन। फिर से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, सेलेक्ट करूँगा, थोड़ा सा आगे चले जाओ। फिर से मैं यहाँ पे जाऊँगा, थोड़ा सा और मूव कर देता हूँ, कुछ ऐसे, फिर से थोड़े आगे जाने हैं। फिर से मैं क्या करूँगा, यहाँ से यहाँ पे मूव कर देता हूँ, कुछ इस तरह से आपको मूव करते चले जाने हैं जैसे भी आपको चाहिए होंगे, ओके। एंड देन लास्ट फ्रेम पे मैं इसको बाहर ही निकाल देता हूँ कम्प्लीटली। यहाँ पे जाओ, यहाँ पे जाओ एंड देन यहाँ से आप बाहर लेके चले जाओ, फाइन। तो आपका कुछ इस तरह से यहाँ पे जो कलर है फिल हो रहे हैं वो फिल होता हुआ सा यहाँ से यहाँ चले जाएगा, मीन्स कम्प्लीटली आपका जो कार है वो जैसा भी आपको चाहिए होगा वैसे में आप देख सकते हो, सी। तो कुछ इस तरह से हमारा कार कलर चेंज होता हुआ सा जा रहा है, राइट। तो आप कुछ इस तरह से ले सकते हो, जैसे भी आपको चाहिए होंगे आप अपने अकॉर्डिंगली ले लेना। एंड देन अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे थोड़ा सा ब्लेंड कलर करना है या फिर तो फेदर अप्लाई करना है तो आप थोड़े बहुत फेदर अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं करना, ओके। तो मैंने कुछ कम ही रखा हुआ है यहाँ पे फेदर। अब आपको करना क्या है, एक बार जब ये एनिमेशन हो जाए तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो मास्क है इस मास्क को आपको कंट्रोल सी कॉपी कर लेना है, राइट। कंप्लीट मास्क को आपको कॉपी कर लेना है एंड देन मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राइट क्लिक न्यू एंड देन एक यहाँ पे मैं ले लेता हूँ सॉलिड ब्लैक कलर, राइट। तो ब्लैक कलर आपको ले लेना है एंड देन स्टार्टिंग में ही आप क्या करो, यहाँ पे जाकर कंट्रोल वी कर दो, मीन्स आपको मास्क को पेस्ट कर देना है इसके ऊपर में एंड देन यहाँ पे जाकर आप ऐड कर लो, राइट। बिकॉज ऑफ कि मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर में ही अप्लाई कर दूंगा इफेक्ट्स में जाकर वीडियो को पायलट एंड देन सेबर, ओके। तो सेबर लेने के बाद आपको कस्टमाइज में जाने हैं एंड देन कस्टमाइज में सेबर को लेयर मास्क कर दो, सी। तो आपको यहाँ पे ये जो है ना कुछ इस तरह से बनता हुआ सा दिखना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो ये तो बेटर है बट मुझे इतना चाहिए नहीं, मुझे क्या करने हैं, बस इतना से इतने पार्ट में ही अप्लाई करने हैं सेबर इफेक्ट। तो सबसे फर्स्ट मैं सेबर में जाकर यहाँ पे ले लेता हूँ नियॉन कलर, नियॉन इज़ बेटर, ओके। एंड देन इफ़ यू वांट टू चेंज कलर देन डेफिनेटली यू कैन चेंज योर कलर, सो फर्स्ट क्लिक एंड देन आई वांट टू चेंज रेड, ओके। और जो भी कलर आपको चाहिए आपको क्लिक करना है एंड देन यू कैन चेंज योर नियॉन ग्लो कलर, सी, समथिंग लाइक दिस। अब क्या करना है, मुझे इतने लंबे चौड़े नहीं चाहिए, बस यहाँ से यहीं तक चाहिए होगा मुझे। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा,
यहाँ पे ऑफसेट जो आपको दिख रहा है ना, उस ऑफसेट को थोड़ा सा आपको यहाँ पे एंड देन इसको थोड़ा सा कम करना है सी। तो आपको यहाँ से बस यहीं तक लेना है फाइन। जैसे मैंने यहाँ पे ऑफसेट को मैंने 45 रखा है एंड देन एंड ऑफसेट को मैंने क्या किया, यहाँ से एंड ऑफसेट हमारा यहीं तक रहेगा ओके। एंड देन जो स्टार्ट ऑफसेट रहेंगे ना उसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक फाइन सी। नाउ दिस इज़ फाइन। अब देख सकते हो आप जैसे जैसे मुझे चाहिए होंगे वैसे वैसे मैं ले सकता हूँ ओके। तो फर्स्ट मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एंड मेरा टिक है, स्टार्ट ऑफसेट को मैं थोड़ा सा और कम कर देता हूँ यहाँ पे, बस इतना तक मैं रखता हूँ। नाउ दिस इज़ फाइन एंड देन क्लिक कर दो आप यहाँ पे स्टार्ट एंड एंड ऑफसेट को। तो मैंने यहाँ पे एंड ऑफसेट जो हमारा है यहाँ पे उसको मैंने क्लिक किया एंड देन स्टार्ट ऑफसेट को क्लिक किया। बस दो पे ही एनिमेट करने हैं मुझे, फ्रंट थोड़ा सा यहाँ पे आ जाओ राइट। एंड देन यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा जो स्टार्ट ऑफसेट है ना उसको थोड़ा सा मैं और कम कर देता हूँ, थोड़े से कम कर देता हूँ मैं, इतना काफ़ी है राइट। एंड देन स्टार्टिंग में भी आप चाहो तो यहाँ पे भी पूरे का पूरा यहाँ पे, तो आपको क्या करना है थोड़ा सा स्टार्ट से पहले यहाँ जैसे किया ना तो यहाँ पे मेरा ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा और कम कर दो इसे, इतना काफ़ी है। नाउ दिस इज़ फाइन। ये देखो अब ये बेटर जा रहा है। एंड देन यहाँ पे जाकर आपको थोड़े से और चेंज करने पड़ेंगे थोड़े बहुत, बिकॉज ऊपर जा रहा है ये, तो एंड वाले जो है ना उसको तो थोड़ा सा आपको यहीं तक रखना है। थोड़ा सा जूम करके काम करो, काफ़ी है। यहाँ पे भी ठीक है, थोड़े से यहाँ पे लास्ट में थोड़ा सा आपको और थोड़े से वेट कर लो। सी यहाँ पे बहुत ऊपर चले गया है तो एंड ऑफसेट को थोड़ा सा और कम कर देता हूँ यहाँ से, ये भी ठीक है। तो आपको यहाँ पे भी थोड़े से आपको कम करने हैं, ये भी सही है। एंड देन फाइनली यहाँ पे जाकर आपको करना क्या, जस्ट उससे पहले आपको क्या करना है ओके कुछ ऐसा फाइन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अपने जो बना रखा है वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देंगे। तो कुछ इस तरह से आपको कंप्लीट बना लेने हैं यहाँ से सी, सेबर इफेक्ट को लेकर या जो भी आपको इफेक्ट चाहिए कुछ ऐसे आप बना सकते हो। तो आई होप कि आपको समझ में आई होगी कि रोटो लेकर एंड देन सेबर इफेक्ट लेकर आप बहुत इजी वे में कुछ इस तरह के इफेक्ट्स आप बना सकते हो। तो ये था आज का मेरा टॉपिक रोटो एंड सेबर को लेकर। आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी है, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड देन अपना प्यार इस तरह से बरकरार रखें। मिलते हैं हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स के न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।